मध्य प्रदेश में महंगाई की अगर बात की जाए तो समय कमर तोड़ महंगाई है। बता दें कि कमर तोड़ महंगाई न केवल आम आदमी के जेब में टाँका डाल रही है, बल्कि रसोई गैस के जो बढ़े वाली कीमत है वह महिलन के किचन के बजट घलाई बिगाड़ रही है। बता दें कि लगातार 5 साल में अगर बात की जाए तो 5 साल में 60 दर की रसोई गैस के जो कीमत है वो बढ़ोतरी की गए हुए। और अगर बात की जाए सब्सिडी के तो सब्सिडी के हाल जो है बेहाल है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे बजट इनका प्रणाम कहते शुरू करे थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश में समय महंगाई के मार जो है बढ़ते जा रहा है। वह बता दें कि 5 साल में करीब 60 दर की रसोई गैस के कीमतन में बढ़ोतरी की गए। ऊपर से रसोई गैस सिलेंडर में कम गैस मिले के शिकायत घलाए लगातार सौहे अवतीला। बता दें कि बीते 5 साल के अगर प्रदेश में आंकड़ा देखा जाए रसोई गैस के तो उमा 60 दर की रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गए। अकेले बता दें कि कोरोना काल के बाद जुलाई 2021 से लेकर 2022 के बीच में एलपीजी के कीमत में करीब 26 दर की इजाफा की गया है। बता दें कि 1 साल में 26 दर की कुल मिलाए के रसोई गैस के दाम बढ़े हमा। और बात की जाए तो वह कहो न कहो रसोई गैस से जुड़ी अब यह शिकायत घलाए होती हाँ के सिलेंडर में जो है गैस कम मात्रा में होती है। वह अगर सब्सिडी की बात की जाए तो बता रही कि सब्सिडी जो है वह 2020 से सब्सिडी बंद की जा चुकी है। मई के महीना से सब्सिडी जो मिल रही पहले से पूरी तरीके से अब सब्सिडी बंद की जा चुकी है। बता दें कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत इस समय 1058 रुपया है। कॉमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए तो 1751 रुपया कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत ही। घरेलू गैस सिलेंडर में बता दें कि उपभोक्तन का बता दें कि घर तक पहुँचे माँ घरेलू गैस सिलेंडर 1100 रुपया के नेट पड़ जाते हैं। बता दें कि सब्सिडी की अगर बात की जाए तो सब्सिडी सालन से बंद ही भाई। पहले सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही जैसे उपभोक्तन का कुछ राहत मिल जात रही पे 2020 में मई के महीना से सब्सिडी जो उन्हें पूरी तरीके से बंद की गए। नतीजन बता दें कि 5 साल में पहले 500 से 600 तक में जो रसोई गैस मिल जात रहा अब 1100 रुपया में पड़ा था। गैस कीमतन के उछाल की वजह के बता दें कि गृहिणी के जो किचन के बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुका है। बता दें कि सिलेंडर से जुड़ी शिकायतों के दौरान सौहे होती है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से यह देखने का मिला है कि सिलेंडर से जहां आदमी पहले बढ़ी कीमत से परेशान है तो वह सिलेंडर में चोरी के शिकायत सौहे होती। लहा बता दी कि उपभोक्ता के मुताबिक पिछले 3 से 4 किलो गैस सिलेंडर में बता दी कि कुछ समय से 3 से 4 किलो गैस सिलेंडर में गैस जो है कम निकला थी। हालांकि शिकायतन के बाद अधिकारी अलर्ट पे हम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बता दी कि संकेत दी के बतावा गया कि सिलेंडर में QR कोड मौजूद रही जिससे सिलेंडर में कम गैस के निकले पर शिकायत में विराम लग सके। इस संबंध में बता दी कि मध्य प्रदेश LPG डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष RK गुप्ता के द्वारा बतावा गया कि रसोई गैस की कीमत में तेजी और मंदी के निर्णय ऑल मार्केटिंग कंपनी के होते ऊपर से भाव बढ़े या फिर घटे पर डीलर उनका लागू कर देता। तो कुल मिलाए के वजह चाहे जौन हो कारण चाहे जौन हो मार पड़ रही तो आम आदमी की जेब में महिलन के रसोई के बजट गड़बड़ हो रहा है। 1 साल में 26 दर की बता रही कि बढ़ोतरी की जा चुकी है। सब्सिडी जो है बंद की जा चुकी तो कहो न कहो जहाँ बेरोजगारी से पहले प्रदेश की जनता मार खा रही है तो वह जो रसोई गैस की बढ़त कीमत है वह नाक में दम करे हैं। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल पड़ा।